हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और डीप लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका कोड बेस बताऊंगा कि कोड कहाँ पे होस्टेड है, और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं एज ए पीओसी या फिर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी लर्निंग पर्पज के लिए या फिर इसको कंप्यूटर विजन, क्योंकि ये कंप्यूटर विजन पे बेस्ड है, इसको एज ए रेफरेंस यूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक मैंने वेब ऐप बनाई है और इसके पीछे एक कंप्यूटर विजन का यूजिंग डीप लर्निंग टेक्निक एक मॉडल ट्रेंड है, जो कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम बेसिकली एक इमेज देते हैं किसी भी रेसिपी की, और वो मॉडल क्या करता है उस रेसिपी की इमेज को अंडरस्टैंड करता है कि वो किस रेसिपी की इमेज है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, बताता है कि ये उस रेसिपी की इमेज है, एंड उस रेसिपी की फिर सारी अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, कितनी कैलोरीज है उसमें उसकी एक सर्विंग में, और जैसे कि मान लीजिए वो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेरा वेब ऐप जो है या फिर ये कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट देता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। जब आप सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आप इस गिटहब के लिंक पर जा सकते हैं, ये मेरी गिटहब रेपो के ऊपर होस्टेड है, रेसिपी रिकॉग्नाइजर के नाम से होस्टेड है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स वाले में, इसमें लास्ट वीडियो मेरी कस्टमर सेगमेंटेशन की थी, इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन का पूरा कोड है, रेसिपी रिकॉग्नाइजर में जो है पूरा रेसिपी रिकॉग्नाइजर वाला कोड है। आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके रेडमी में सारी डिटेल्स दे रखी है, कहाँ से सोर्स डेटा उठाया और कौन कौन से टूल्स या मॉडल इसमें यूज किए गए हैं, क्या रिजल्ट आए हैं और क्या की टेक अवेज है, और ये कोड जो है यहाँ पे पूरा जो होस्टेड है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। डेमो के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, जब आप इसको अपने लोकल पे बिल्ड करोगे, रन करोगे, रन करने के बाद जब आपकी आपके लोकल पे ये इस यूआरएल के ऊपर जो है बेसिकली एक वेब पेज खुलेगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ प्रेडिक्ट सेक्शन में जाना है। प्रेडिक्ट सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अपलोड इमेज का, यहाँ से आप इमेज अपलोड करेंगे जिस भी बेसिकली रेसिपी को आप रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं। लेट मी टेल यू, ये बेसिकली मॉडल 100 रेसिपीज के ऊपर जो है ट्रेंड है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी रेसिपी की इमेज दो जो जिसके ऊपर ये ट्रेंड नहीं है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये गलत रिजल्ट दे, लेकिन आप इसके कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको रीट्रेन कर सकते हैं और आप इसको रीयूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दे रहा था, इसमें लेट से मैं एक, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी इमेज फूड की इमेज लेता हूँ जिसको हम सभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक समोसा की इमेज देता हूँ। समोसा की इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे एक बटन है प्रेडिक्ट द डिश, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि इसके पीछे एक डीप लर्निंग का मॉडल चल रहा है, ये वो मॉडल इस इमेज को आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा वो मॉडल बताएगा कि भाई ये डिश है और उसकी सारी डिटेल्स। तो चलिए इसका रिस्पॉन्स आ गया है, प्रेडिक्टेड डिश इसने बताया कि समोसा है और प्रोबेबिलिटी इसने बताया कि 99.74, दैट मीन्स कि मॉडल श्योर है कि 99% ये जो इमेज आपने दी है ये समोसा की है। अब यहाँ पे इसने बताया है कि ये समोसे के बारे में बेसिकली इसको कैसे बना सकते हैं, किस किस फॉर्म में होता है या क्या कुछ है, वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इसने मुझे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी दी है कि मिनिमम कैलोरीज कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, या फिर एवरेज कैलोरी अगर आप ऑनलाइन एवरेज निकालेंगे एक यूनिट के एक पीस में कितनी कैलोरीज होती है। उसके बाद रेसिपी कुक बुक है, रेसिपी कुक बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि मान लीजिए आप इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, किस टाइप की है, किस टाइप का कोर्स है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, रीजन स्टेट एंड एक्स्ट्रा ऑल द अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे इसकी जो सारी डिटेल जो है खत्म हो गई है। ऐसे ही अगर आप चाहो तो मैं जल्दी से आपको एक और डेमो दे सकता हूँ किसी एक और पर्टिकुलर इमेज के ऊपर। सो उसके लिए लेट मी गो टू ब्राउज द इमेज, आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी मैंने आउट ऑफ इंडिया की डिशेज को यूज किया है ट्रेनिंग करते टाइम। तो चलिए मैं इसमें एक और यूज कर लेता हूँ जिसको हम सब रिलेट कर सकते हैं, लेट मी गिव इट टू ऑमलेट इमेज।
तो अभी मैं इसको ऑमलेट की इमेज दे रहा हूँ एंड लेट्स सी मॉडल इसको प्रेडिक्ट कर पाता है या नहीं। तो मैंने इसको दे दिया है और नाउ इट इज बेसिकली इट हैज हिट द बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट, और वो फिर मॉडल को जाके इमेज देगा। इमेज देने के बाद मॉडल उसको प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स दे देगा। तो अब यहाँ पे इसने बताया कि प्रेडिक्टेड डिश ऑमलेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 97% है, 0.97, दैट मीन्स कि 97% इमेज है, 97% की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे देखिए इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑमलेट क्या है, इसको कैसे बना सकते हैं, मेड फ्रॉम बीटन एग्स फ्राइड विद बटर और ऑयल इन फ्राइंग पैन, एंड वो इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद इसने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिए हैं, इसमें बेसिकली कितना न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद रेसिपी कुक बुक में एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे कि अल्टरनेटिव नेम क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, सर्विंग टेम्परेचर क्या है, मेन इंग्रेडिएंट्स बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई डेमो की बात। अब मैं आता हूं मेरी गिटहब रेपो के ऊपर। इस यहाँ पे इसका पूरा कोड होस्टेड है, आप यहाँ पे जाएंगे और रीडमी को फॉलो कीजिए, इसमें कुछ काफी हद तक डिटेल्स हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में, सो यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। और इस गिटहब रेपो का लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, तो आप जा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मॉडल अंडरस्कोर केदास मॉडल, ये बेसिकली ट्रेंड मॉडल है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो जो क्लासिफिकेशन मॉडल डिफरेंट मैंने इसमें ट्राई किए हैं, मोबाइल नेट, VGG16 या फिर रैंडम फॉरेस्ट, उन सब का मैंने यूज किया है, आप उनको यूज कर सकते हैं। कोड को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। आइडिया हेयर इज कि आपको ये कंप्यूटर विजन बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली आप इमेज देते हैं और बेसिकली ये आपको आइडेंटिफाई करके बताता है वो इमेज क्या है और उस इमेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।